हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉकेट नेट होस्टिंग के बारे में। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो रॉकेट होस्टिंग बाय करने के, और आप उसका परफॉर्मेंस एंड स्पीड देखना चाहते हो, और आप देखना चाहते हो कि रॉकेट होस्टिंग कितना अच्छा परफॉर्म करता है या अच्छा नहीं परफॉर्म करता है, तो इस वीडियो में हम रॉकेट होस्टिंग का स्पीड टेस्ट करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और आपको रॉकेट होस्टिंग का परफॉर्मेंस एंड स्पीड कितना है वो सब पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको जो रॉकेट का होस्टिंग का डैशबोर्ड है वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो अभी मैंने एक टेस्टिंग वेबसाइट है वो वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डोमेन पे मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। इसके बाद उसका लोकेशन है US सैन जोस, जो कि डिफॉल्ट लोकेशन आया तो मैंने वही चूज़ किया, कोई लोकेशन मैंने चेंज नहीं किया। तो इसके बाद यहाँ पर मैं आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें अभी करंटली 4 प्लगइन्स इंस्टॉल है, ब्लॉक्सी कंपेनियन जो कि ब्लॉक्सी थीम का, इसके बाद रेसिपी कार्ड, ब्लॉक्स वे, WP जूम स्टेकेबल एंड WP फॉर्म्स लाइट। तो यहाँ पर थीम्स में देखते हैं तो ये ब्लॉक्सी की चाइल्ड थीम, इसके बाद ब्लॉक्सी एंड ये वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम 2021। तो मैंने ये जो थीम है ब्लॉक्सी वो इसलिए डाली कि कोई एक डेमो सेट इंस्टॉल कर सकूं एंड उस पर कुछ जो कंटेंट हो तो उससे जो स्पीड टेस्ट हमारा हो वो एकदम फेयर हो, और कोई भी पर्सन अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लिंक पे तो रन नहीं करेगा। इसलिए मैंने एक डेमो सेट इंस्टॉल कर ली, तो इससे हमें मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेज का हम टेस्ट करने वाले हैं, और ये हमारा जो टेस्टिंग डोमेन है उसका जो होम पेज है वो ऐसे दिखता है। तो यहाँ पर ये हेडर है, इसके बाद यहाँ पर हीरो सेक्शन, इसके बाद यहाँ पर 6 ब्लॉग पोस्ट है, इसके बाद ये 4 कैटेगरीज की इमेज, इसके बाद एक इमेज, इसके बाद ये बैकग्राउंड में इमेज, और इतना कुछ है। तो अगर आपने मेरा पिछला और भी कुछ स्पीड टेस्ट का वीडियो देखा होगा तो वो इसका भी और उसका सभी सेटअप सेम है। तो मैं अपने जो सभी टेस्टिंग है होस्टिंग का, तो उसमें जो स्पीड टेस्ट का सभी सेटअप है वो सेम रखता हूँ। तो इससे हम एक दूसरी होस्टिंग को कंपेयर कर सकते हैं, एंड अगर हमें कोई होस्टिंग बाय करनी है तो उसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी होस्टिंग किससे बेहतर है। तो यहाँ पर अभी ये तो हमारा सेटअप हो गया, तो अभी हम बात करेंगे इसका स्पीड टेस्ट। तो स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी इसे जो डोमेन है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम TTMB टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस टूल में हम अपना टेस्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर अपना डोमेन डाल देता हूँ एंड इसके बाद टेस्ट को स्टार्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, देख सकते हो कि जो हमारा टेस्ट का रिजल्ट है वो हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो लोकेशन है होस्टिंग का, जो सर्वर का लोकेशन है वो न्यूयॉर्क होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिख देता हूँ कि जो लोकेशन है वो US सैन जोस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये न्यूयॉर्क के करीब होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ पर बहुत अच्छी TTFP देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर हमारा ऑफिशियली होस्टिंग का सर्वर लोकेशन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सभी और लोकेशन में भी देखोगे, जैसे कि फ्रैंकफर्ट इंग्लैंड में, इसके बाद ये सारे यूरोप के लोकेशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सैन फ्रांसिस्को जो कि USA का लोकेशन, इसके बाद सिंगापुर। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर आप कोई भी होस्टिंग चूज करोगे तो उसमें जो आपका होस्टिंग का सर्वर लोकेशन है वहाँ पर आपको कम TTFP देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे अगर आप होस्टिंग के दूर के कोई लोकेशन से आप टेस्ट करोगे तो आपको एकदम ज़्यादा TTFP देखने को मिलेगी, जैसे कि 500 MS से उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रॉकेट का होस्टिंग है वो एकदम फास्ट है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इसका पूरा वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस है वो कितना ज़्यादा है। तो मतलब इसमें आपको सिर्फ होस्टिंग के सर्वर के लोकेशन पर ही आपको अच्छी स्पीड देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पूरे वर्ल्ड वाइड में स्पीड देखने को मिलेगी। तो इसका एक रीज़न है क्योंकि रॉकेट की होस्टिंग है वो बैकएंड में क्लाउड फिट एंटरप्राइज का यूज़ करती है। तो इससे जो आपका पूरे वर्ल्ड में 200 प्लस डेटा सेंटर है, 200 प्लस डेटा सेंटर है, तो वहाँ से भी आपकी सभी वेबसाइट लोड होगी। तो आपके जो विजिटर के सबसे करीब वाले लोकेशन से वेबसाइट लोड होगी, तो इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड एकदम बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रिजल्ट हमारे सामने, तो मैंने यहाँ पर भी एक ब्लॉग पोस्ट भी यहाँ पर बना रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हो। और यहाँ पर आप
ये रिजल्ट्स भी देख के किसी और होस्टिंग के कंपेयर कर सकते हो। तो अगला टेस्ट करेंगे हम, तो उसमें हमारे वेबसाइट की जो पेज का वो साइज है वो एंड उसके लोडिंग टाइम देखते हैं। तो यहाँ पर ये वाले टूल में हम स्टार्ट टेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं अपना डोमेन डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं हमारा लोकेशन में चूज कर लेता हूँ न्यूयॉर्क, क्योंकि वो पिछले हमारा सर्वर लोकेशन वही है। तो टेस्ट को करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, आप देख सकते हो रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे जो होम पेज की साइज है वो 1.5 MB है, यानी कि 1.5 MB। और यहाँ पर रिक्वेस्ट आप देख सकते हो 45 है। एंड यहाँ पर आप इसका टाइम देख सकते हो 603 मिली सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड से भी कम टाइम लगा है पूरी वेबसाइट को लोड होने में। तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ये जो हमारा लोकेशन है वो होस्टिंग का सर्वर लोकेशन है। तो मैं यहाँ पर अभी कोई और लोकेशन पे टेस्ट करता हूँ। तो अब हम ट्राई करते हैं सिडनी। तो ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वर है, ये बहुत ही दूर होगा यूएसए से। तो यहाँ पर ये सिडनी लोकेशन में हम टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं, वो क्या रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर मैं इस टेस्ट को करता हूँ स्टार्ट। ओके गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टेस्ट का रिजल्ट है वो समय हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पेज की फुल लोडिंग टाइम है 1.42 सेकंड से, इसके बाद पेज की साइज 1.8 MB है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रॉकेट होस्टिंग है पूरे वर्ल्ड वाइड में अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो मैं यहाँ पर सभी लोकेशन तो आप नहीं दिखा सकता, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मैंने ब्लॉग पोस्ट राइट करके लिखा है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, सभी लोकेशन का मैंने टेस्ट करके रखा है एंड स्क्रीनशॉट भी डाले हैं। तो यहाँ पर अब हम अगले टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टेस्ट करेंगे हम पेज स्पीड में। तो यहाँ पर गूगल पेज स्पीड में ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं अपना डोमेन डाल देता हूँ एंड इसके बाद स्टेट को करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, अब देख सकते हो हमारे सामने टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो होस्टिंग का परफॉर्मेंस है वो मोबाइल में 90 है, इसके बाद डेस्कटॉप में देखते हैं तो 100। तो डेस्कटॉप में तो आपको सभी होस्टिंग में अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप मोबाइल का देखोगे तो एकदम ज्यादा है, इतना किसी और होस्टिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अभी कुछ डेटा देख लेते हैं। तो इसका जो स्पीड इंडेक्स है वो 4.2 सेकंड, इसके बाद FCP 1.7 सेकंड, इसके बाद टाइम टू इंटरेक्टिव 2.3 सेकंड। तो यहाँ पर आप ये सब डेटा देख सकते हो। इसके बाद हम डेस्कटॉप का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो स्पीड इंडेक्स है वो 0.5 सेकंड, यानी कि 0.5 सेकंड में आपकी वेबसाइट लोड हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है किसी भी होस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारे सामने मोबाइल का स्कोर है वो, तो यहाँ पर इसका 90 स्कोर है। एंड ये थोड़ा डिफरेंस होता रहेगा, अगर आप दोबारा टेस्ट करोगे तो वो और भी कोई स्कोर आ सकता है। तो मैंने 3 टेस्ट किए हैं डिफरेंट डिफरेंट डेज पे, और उसका भी रिजल्ट मैंने ब्लॉग पोस्ट में डाल दिया है। तो आप ब्लॉग पोस्ट चेकआउट कर लेना। इसके बाद अगला टेस्ट करेंगे हम जीटी मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर मेरा अपना डोमेन डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लोकेशन में चूज कर लेंगे यूएसए का। तो यहाँ पर इसको टेस्ट को करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। आप देख सकते हो इसका जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो 100 है एंड इसके बाद स्ट्रक्चर स्कोर 99%। तो ये जो परफॉर्मेंस स्कोर होता है वो होस्टिंग के ऊपर बेस होता है, एंड इसके बाद स्ट्रक्चर का स्कोर है वो हमारे पेज का वो डिजाइन कैसा है एंड थीम कैसे है वो सब देखते हैं। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होगा। ये इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो 100% है। तो इससे तो आप और बेटर उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो और कोई फास्ट हो भी नहीं सकता। यहाँ पर आप और भी LCP देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारी TTF भी है वो 1.148 MS है। तो यहाँ पर बहुत ही कम है। अगर आपकी वेबसाइट का TTF भी 200 MS से कम है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट की TTF भी वो 200 MS से बिल्कुल कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फुली लोडेड टाइम है 1.5 सेकंड। तो ये बहुत ही अच्छा है कैश होस्टिंग के लिए। इसके बाद अभी और भी डेटा देखते हैं परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पर इसका FCP 635 MS है, इसके बाद स्पीड इंडेक्स 669 MS, इसके बाद इसका जो ऑन लोड टाइम है वो 816 MS, इसके बाद फुली लोडेड टाइम 1.5 सेकंड्स। तो यहाँ पर आप इसे किसी और होस्टिंग के साथ कंपेयर कर सकते हो।
पता लगा सकते हो कि कौन सी होस्टिंग बेस्ट है। तो यहाँ पर अगला टेस्ट करेंगे किंगडम में, तो यहाँ पर मैं अपना डोमेन डाल देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर लोकेशन में चूज कर लेता हूँ यूएसए वॉशिंगटन डीसी। तो टेस्ट को करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो परफॉर्मेंस ग्रेड है वो 81 है, एंड इसके बाद पेज की साइज 1.7 MB, रिक्वेस्ट 54। इसके बाद आप इसका लोड टाइम देखो 501 MS। तो ये पूरी वेबसाइट लोड है, मैंने लोड होने में सिर्फ आधे सेकंड का टाइम लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा होगा किसी और होस्टिंग के लिए। तो आपको रोकर होस्टिंग तभी आपको लेने होगी, क्योंकि इसके इसका जो परफॉर्मेंस है वो एकदम ज़्यादा है एंड इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स स्टोर है, या आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट फुल एकदम ज़्यादा लोड ना हो, तो यहाँ पर आपको रोकर होस्टिंग की तरफ देखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं किसी और लोकेशन पर टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैं अपना डोमेन डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इस बार हम लोकेशन चूज करेंगे, ये वाला चूज करते हैं, सिडनी वाला। तो इसके बाद टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में तो मैं सभी लोकेशन का टेस्ट नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखा है, उसे आप चेकआउट कीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने मल्टीपल टेस्ट किए हैं। एक ही टेस्ट मतलब जो गूगल पेज स्पीड का टेस्ट है वो 3 बार किया है कम्प्लीटली, मोबाइल का भी डिफरेंस, डेस्कटॉप का भी डिफरेंस। तो आप उसे जो एवरेज रिजल्ट है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो पेज की साइज वो सब सेम है। इसके बाद आप लोडिंग टाइम देख सकते हो 1.88 सेकंड। तो अगर आप कोई और से होस्टिंग या और कोई भी होस्टिंग यूज करते होगे, तो आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस किसी भी होस्टिंग में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रॉकेट के होस्टिंग में पूरे आपको वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर अगला टेस्ट करते हैं हम। तो इस वाले टेस्ट में वर्ल्ड के पूरे 80 लोकेशन में जो हमारी वेबसाइट की स्पीड है वो मेजर होगी। तो यहाँ पर इस टेस्ट को हम करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, आप देख सकते हो रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पर ये कुछ गूगल के कोर वेब वाइटल्स है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हो कि जो एलसीपी है वो 392 MS है। इसके बाद फर्स्ट बाइट, तो एवरेज इसकी फर्स्ट बाइट एमएस है वो 77 MS। ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। आपको वर्ल्ड वाइड इतना अच्छा परफॉर्मेंस किसी और होस्टिंग में भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सीडीएन और होस्टिंग दोनों एक साथ यूज करोगे, तब भी आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले टीटीएफ भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपकी वेबसाइट की टीटीएफ भी 500 MS से कम है, तो बहुत ही अच्छी होगी किसी भी होस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सभी लोकेशन में हो, सिर्फ एक ही लोकेशन में वो 200 MS से ज़्यादा होगी हुए, बाकी सभी लोकेशन में आप देख सकते हो कि उसमें 150 MS के नीचे है। तो यहाँ पर ये सभी होस्टिंग में आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रॉकेट में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप जरूर से रॉकेट की होस्टिंग का चेकआउट कीजिए। तो मैं यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट मंथ है वो सिर्फ $1 में मिलेगा। तो इससे मुझे थोड़ा कमीशन मिलेगा, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और लाता रहूँगा। और इसे मैं से जैसे आपके कोई होस्टिंग की तरफ से स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो ऐसे मैं अपनी तरफ से फ्री वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तो अगला टेस्ट करेंगे हम लोड टेस्ट। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अभी जो हमारी वेबसाइट है उस पर 10,000 क्लाइंट्स भेजूंगा, एंड हम देखेंगे कि उस टाइम में कितना होस्टिंग का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो यहाँ पर इस टेस्ट से हम ये पता लग सकते हैं कि होस्टिंग हमारा सर्वर का जो होस्टिंग का सर्वर है वो कितना लोड हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर इस टेस्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर मैं इस टेस्ट को कर देता हूँ स्टार्ट। ओके गाइस, आप देख सकते हो कि जो हमारा टेस्ट है वो कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 1 सेकंड में कम से कम 150 क्लाइंट है हमारी वेबसाइट पे लाइव, और इसके इसके बाद आपका जो रिस्पांस टाइम है वो देखो 40 MS। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो 14 MS है।
तो हमारी वेबसाइट का जो होस्टिंग है वो क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करने में सिर्फ 14 सेकंड्स का ही मिली सेकंड्स का ही टाइम लगा, तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है किसी भी होस्टिंग के लिए। एंड अगर आप किसी और होस्टिंग पे इतने क्लाइंट्स भेजोगे तो आपकी जो होस्टिंग है वो तुरंत डाउन हो जाएगी और आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो रॉकेट होस्टिंग का ये जो अच्छा मुझे लगा, क्योंकि इसमें आपको कितने भी क्लाइंट भेजो वेबसाइट कभी डाउन नहीं होगी। एंड ये अगर आप वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो आपको ये वो वाली होस्टिंग ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी वेबसाइट डाउन होने का कोई इश्यू नहीं। और इसके बाद आप देख सकते हो कि अगर आपको वो अगर आपके पास कोई और होस्टिंग है जिसमें आपके बाद कभी कुछ थोड़ी लाइव ट्रैफिक ज़्यादा आ जाती है, रियल टाइम ट्रैफिक ज़्यादा आ जाती है, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन रॉकेट की होस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं इश्यू नहीं हुआ होगा आपको, क्योंकि इसमें अगर आप कितने भी क्लाइंट्स आ जाए आपकी वेबसाइट पे, लेकिन आपकी वेबसाइट की स्पीड में कोई भी फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ये जो रिजल्ट है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर इसका जो मैंने एक पूरा ब्लॉग पोस्ट है, तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल टेस्ट किए हैं, वो सभी जो रिजल्ट है वो यहाँ पर मैंने डाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले वाला ये टेस्ट रहा, तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल टेस्ट किए हैं। इसके बाद इसका जो एवरेज रिजल्ट है वो हमारे सामने मैंने आपके सामने पेश किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो ग्लोबल एवरेज टीटीएफ भी है वो 97 MS है। तो ये बहुत ही अच्छा है किसी भी होस्टिंग के लिए। अगर आप कोई और शेयर होस्टिंग यूज करते होगे तो आपको 500 MS के करीब ये ग्लोबल एवरेज टीटीएफ भी देखने को मिलेगी। एंड अगर आप कोई और मैनेज वर्डप्रेस इंस्टॉल होस्टिंग इंस्टॉल करते होगे और उसमें आप वर्डप्रेस चलाते होगे तो आपको ये 200 MS या उससे ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन रॉकेट होस्टिंग सबसे ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसमें आपको क्लाउड फेयर एंटरप्राइज देखने को मिलेगा एंड इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको किसी भी वो होस्टिंग में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो इसका ग्लोबल एवरेज लोडिंग टाइम है 1.70 सेकंड्स। तो यहाँ पर मैंने सभी टेस्ट किए, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यह ब्लॉग पोस्ट को एक बार चेकआउट कीजिए, आप सभी टेस्ट स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर डाले है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हो, ब्लॉग पोस्ट को चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको रॉकेट का होस्टिंग बाय करना है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे अगर आप, तो अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट मंथ के लिए। तो आप अगर अगर आपको रॉकेट का होस्टिंग बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जो आपको फर्स्ट मंथ है वो सिर्फ $1 में मिलेगा। तो यहाँ पर आप इसका प्राइसिंग देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये प्राइसिंग प्लान चूज कर दो, आपको देखना है कि आपको कितने वर्डप्रेस वेबसाइट है आपके पास। अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो यहाँ पर आपको स्टार्टर वाला प्लान लेना चाहिए। अगर आपके पास दो या तीन वेबसाइट है तो आपको प्रो वाला प्लान लेना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास 10 वेबसाइट है तो आपको बिजनेस वाला प्लान। इसके बाद अगर आपके पास 10 to 5 के करीब वेबसाइट है तो आपको एजेंसी वाला प्लान लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पहले से ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करके रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस ऑन रॉकेट होस्टिंग। तो यहाँ पर आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। इसके बाद अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन भी देख सकते हो कि जो प्लान्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, स्पीड टेस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको कोई कमेंट या करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। कोई आपको डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी सभी होस्टिंग का स्पीड टेस्ट करूंगा आपके सामने। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर आपको कोई होस्टिंग का जो स्पीड टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।